कोविड-19 के प्रादुर्भाव से मीरा भाईंदर में देश की तरह यहाँ भी लॉकडाउन लगा। उस कालखंड के अंदर शहर के उद्योग धंधे रोजगार व्यवसाय सब पर असर पड़ा, नागरिकों पर आर्थिक संकट आया। इस क्रम में मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच में अभय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मालमत्ता कर अर्थात गृह कर में 75% ब्याज की छूट दी गई है, ऐसा महापौर ने मनपा आयुक्त से चर्चा के दौरान बताया। हालांकि इससे पूर्व महासभा में 50% टैक्स में माफी देने का एक प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन विरोध स्वरूप वह प्रस्ताव भी अटक गया है। अब ऐसे लोग जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है, एक मुश्त टैक्स भरने पर 75% ब्याज की छूट मिलेगी। इंदर महानगरपालिकेमध्ये अभय योजना राबवण्याचा निर्णय आम्ही आताच घेतलेला आहे। आमचे आयुक्त विजय राठोड साहेब आणि आमचे पदाधिकारी सर्व आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून आम्ही ही अभय योजनाची मोहीम राबवत आहोत। 25 फेब्रुवारी ते 15 मार्चपर्यंतची ही तारीख कालावधी आम्ही दिलेला आहे आणि या कालावधीमध्ये जे जे आमचे टॅक्सधारक असतील त्यांनी मालमत्ता कर आणि त्याच्यामध्ये 25% व्याज रकमेची संपूर्ण भरणा केल्यास उर्वरित 75% व्याज रक्कम त्यांना माफ करण्यात येणार आहे असा या योजनेमध्ये आहे आणि हा आदेश आपल्या प्रशासनाच्या माध्यमातून दिला गेलेला आहे। तर मला असं वाटतं की मीरा भाईंदर शहरातील जी काही करदाते आहेत ज्यांनी वर्षानुवर्षे टॅक्स भरलेला नाही आहे त्यांच्या व्याजामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चाललेली आहे, त्यामुळे त्यांनी या योजनेचा अवश्य लाभ घ्यावा। आणि योजना जो चालू हुई है उसके बारे में आपका क्या मंतव्य है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस अभय योजना को अमल में लाया हुआ है और ये भाजपा की सरकार है इस मीरा भाईंदर में, और हमने इससे पहले भी महासभा में ठहराव किया था जिसमें हमने टैक्स के हाउस टैक्स के लिए 50% सहूलत देने की मांग की थी, पर विरोधियों ने उस पर टिप्पणी करके उसको आयुक्त के माध्यम से उसको विखंडित के लिए भेजा गया, और उसके बाद में हमने अभी महापालिका के माध्यम से माननीय महापौर ज्योत्सनाताई हसनाले और उपमहापौर हसमुख जी गहलोत हम सभी पदाधिकारी ने मिलकर इस अभय योजना लागू करने की मांग की, और उस मांग का आदेश अभी प्राप्त हुआ है। ये जो अभय योजना है ये 25 तारीख से हमने यहाँ पर अमल में लाई हुई है, जिसको लोगों के जो मीरा भाईंदर के नागरिक है उनको इसका फ़ायदा होगा। इन्होंने 75% की व्याज और शास्ती उसमें उनकी माफ़ की जाएगी। तो मेरी ये दरखास्त है पूरे मीरा भाईंदर के हमारे शहरवासियों की कि इस अभय योजना का लाभ लें। इस अभय योजना की मुद्दत और 31 मार्च तक बढ़ाने की हमने मांग की हुई है आयुक्त से, वो भी बढ़कर आएगी, लेकिन उससे पहले मेरी सभी से नम्र विनती है कि जिन्होंने आज कई सालों से जो टैक्स हाउस टैक्स नहीं भरा हुआ है तो महापालिका को सहकार्य करें, इस अभय योजना का लाभ उठाए, जो 75% हमें जो शास्ति है और जो बैज है उसकी रकम हमको उसमें से कटौती होगी, और जो जो पेमेंट बाकी रहता है वो पेमेंट आप नगर पालिका को अदा कीजिए और सहकार्य कीजिए, यह मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर छुट्टी के दिन भी आप टैक्स? छुट्टी के दिन भी सैटरडे संडे जो छुट्टी रहती है उस दिन भी इस अभय योजना का लाभ यहाँ मीरा भाईंदर के नागरिक उठा सकते हैं। धन्यवाद। काम बहुत अच्छा किया है और ब्याज कम किया है, वो बहुत अच्छा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। लेकर लोगों में ऐसी चर्चा है कि इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए, आपने एक पत्र भी दिया है। ऐसी बात ऐसी है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और हम लोगों ने हमारी जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने ये जो कोविड परिस्थिति को देखते हुए जो लोगों के ऊपर जो आर्थिक संकट आया हुआ है उस संकट पर थोड़ा बहुत राहत देने के लिए हम लोगों ने जो हाउस टैक्स है उस हाउस टैक्स के अंदर 50% माफ़ करने का, डिस्काउंट देने का, सहूलत देने का ठहराव पारित किया था, और उसी के साथ साथ जो लोगों ने हाउस टैक्स अभी तक भरे नहीं है
और मीरा भाईंदर म्यूजिकल कॉरपोरेशन की जो फाइनेंशियल क्रंचेस थे उस क्रंचेस को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक योजना लाई कि भाई जिन लोगों के बकाया बाकी है अगर वो लोग 100% वन स्टॉप करते हैं तो हम उनमें इंटरेस्ट और ब्याज पर माफ़ी देंगे। और उसी के साथ साथ में ओपन लैंड टैक्स काफ़ी सालों से पेंडिंग है, डिस्प्यूट में पेंडिंग है, उसको भी अगर क्लियर करता है तो उसमें भी हमने राहत देने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तो ऐसे अलग अलग तीन हमारी बातें थी जो हमने प्रशासन को दी थी, लेकिन प्रशासन ने उसके अंदर से एक ही बात को एक्सेप्ट किया और वो किया। और बाकी की जो दोनों चीज़ हैं वो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के पास कमीशन ने भेजी है सैंक्शन करने के लिए, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन किया नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने मुंबई महानगर पालिका में 100% छूट दी है। हम सिर्फ 50% मांग रहे हैं लेकिन 50% मीरा भाईंदर के लोगों को देने लगे, तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट सौतेला व्यवहार हमसे कर रहा है। तो मैं कल भी कमिश्नर को मिला हूँ, आज भी मिलने जा रहा हूँ, और हमारी डिमांड यही है कि जो हमने ठहराव पारित किया था वो ठहराव को मंजूर कीजिए, हमारे मीरा भाईंदर के जनता को हाउस टैक्स में 50% माफ़ कर दीजिए। सर फिलहाल तो 75% तो माफ़ी देने के लिए 75% जो माफ़ी दी है ना वो जिन लोगों के हाउस टैक्स पेंडिंग है सालों जो भर नहीं रहे हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 50% माफ़ करने का है। तो अभी क्या है जो बेचारे ईमानदार टैक्स पेयर है उनको तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन जिन्होंने पैसा नहीं भरा है सालों साल पेंडिंग है उनके ऊपर जो इंटरेस्ट आया था वो इंटरेस्ट माफ़ कर दिया है। तो इससे एक बात तो है कि भाई मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो पैसे आने बाकी थे कुछ ये स्कीम के द्वारा पैसे आ जाएंगे, लेकिन मेरी सरकार से और हमारे कमिश्नर से ये मांगे कि जो कोविड परिस्थिति में लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस आए थे उस क्रंचेस से दूर करने के लिए उनको हाउस टैक्स में सहूलत मिलनी चाहिए, ताकि हाउस टैक्स माफ हो जाएगा, उसी जगह माफ हुआ नहीं और पूरा पूरा बिल भरना पड़ा, इसलिए हाउस टैक्स माफ होना चाहिए। जो अच्छा हुआ के बारा मतलब पूरा हाउस टैक्स बिल माफ किया जाए। हालांकि लोगों में ऐसी महत्वाकांक्षा होती है कि एक महत्वाकांक्षा पूरी होती है तो दूसरी महत्वाकांक्षा जागृत होती है। 100% तो टैक्स माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल जो भी ब्याज में छूट दी गई है उससे लोगों में संतोष